जहाज पे जितने भी लोग काम करते हैं मर्चेंट नेवी में, ऐसा आज तक एक भी नहीं होगा जिसने ये ना सुना हो कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें काम नहीं आता है। और अगर हो गए तो बहुत कम होंगे। एंड जो हैं, जिन्हें बेवकूफ कहा गया, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड मैं रहूंगा, क्योंकि पहले एक हफ्ते में ही मैंने अपने सेकेंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, ऑयलर्स, फिटर, सबको यकीन दिला दिया था कि भैया ये जो आदमी जहाज पे आया ये एक बेवकूफ है, ऐसे काम बिल्कुल नहीं आता है। वो कैसे याद दिलाया था? वो मेरा स्किल सेट था, आई वॉज डैम गुड एट दैट। बट एक आदमी था जहाज पे जो अभी भी मेरे पे यकीन करता था कि यार ये ना, ये प्रणीत मेहता ना MERI कोलकाता का प्रोजेक्ट है, ये DMET से आया है, कैसा भी होगा इसे काम आता होगा। लेकिन 15वें दिन तक इस प्रणीत मेहता ने उनको भी नहीं छोड़ा। मैंने उनको भी यकीन दिला के माना कि भैया मैं स्टूपिड हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरा क्या कर सकते हो करो, आई एम अ डेंजर ऑन बोर्ड शिप। अब ये किया कैसे, ये भी स्टोरी बहुत मज़ेदार है, और जितने भी इंजीनियर्स हैं वो ये समझ पाएंगे कि यार व्हाट काइंड ऑफ एन एम्बैरेसमेंट आई वाज फॉर माय कॉलेज, फॉर ये पूरी जो इंजीनियरिंग की बिरादरी उन सबके लिए, एंड इवन ऑन बोर्ड शिप आई वॉज अ डेंजर ऑन बोर्ड शिप। देखिए हुआ क्या कि मैंने ऐसे अपने, मुझे ना एक 32 साहब थे जहाज पे, तो उन्होंने मुझे 5वें 6वें दिन ही बोल दिया था कि यार जो भी कुछ सीखते हो ना डायरी में नोट्स बना के लिखा करो। तो ऐसे ही मैं डायरी में नोट्स बना के लिख रहा था कि मेन इंजन दिस इंजन, जनरेटर दिस इंजन। तो एक दिन ऐसे मेरी डायरी पड़ी थी और ऐसे ही बड़ा साहब ने खोली डायरी, ही वॉज मिस्टर वाडिया, जिन्होंने जिनका वो लास्ट शिप था, और उसके बाद उन्होंने मित्सुई में जाके वो सुपरिटेंडेंट बन गए थे, वेरी नॉलेजेबल मैन। उन्होंने ऐसी मेरी डायरी उठाई और कुछ देखा और हैरान रह गए, फिर मेरी तरफ देखा, फिर डायरी में देखा, बंद करी डायरी और मुझसे पूछते हैं, अरे खान साहब प्लीज कम हियर प्रणीत। यस सर। ओह व्हेन यू कम इनटू द इंजन रूम व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू सी? मैंने बोला सर मेन इंजन। वाओ यू आर स्मार्ट। तो कहते हैं अच्छा फाइन यार, यू टेल मी, मेन इंजन इज 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक? मैंने बोला सर मेन इंजन इज 4 स्ट्रोक। कहते हैं जनरेटर? मैंने बोला सर 2 स्ट्रोक। ओ गॉड, 11:55 का टाइम और था, उन्होंने घंटी बजाई, पूं 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 8 बार बजाई। ऑल दी इंजीनियर्स, इट वॉज अ वॉच कीपिंग शिप, 3 साहब आई गए थे, सेकंड साहब को बुलाया गया, ऑयलर्स, फिटर्स, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, सबको बुलाया गया इंजन कंट्रोल रूम में, और मेरे से पूछा अच्छा प्रणीत यू टेल मी मेन इंजन इज 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक? अब कॉन्फिडेंस तो हिल रहा था कि यार सबको बुलाया गया, पूछ रहे हैं, कुछ तो दिक्कत होगी, बट अपने कॉलेज में रहकर MERI कोलकाता मैंने कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा लिया था, फेक लेकिन बढ़ा लिया था कि हाँ भाई जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। तो मैंने बोला सर मेन इंजन इज 4 स्ट्रोक, जनरेटर इज 2 स्ट्रोक। कहते हैं ओके फाइन। कहते हैं एक्सप्लेन। मैंने बोर्ड पे ऐसे करके ड्रॉ करना शुरू करा, ये सीखा था मैंने, कंप्रेशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, ऐसे करके चीज़ें मैंने वो 4 स्ट्रोक बनाए, इतने शॉर्ट में होता था कि ताकि इंजीनियर्स के अलावा बाकी लोग भी समझें। तो ऐसे करके मैंने बनाया, जब तक मैं पीछे मुड़ा तो मैं देख रहा हूँ सेकंड साहब बिल्कुल गुस्से मेरी तरफ देख रहे हैं, जो 3 साहब हैं वो पेट पकड़ के हंस रहे हैं, 4 साहब पेट पकड़ के हंस रहे हैं, ऑयलर्स हंसी जा रहे हैं, और बड़ा साहब इज लाइक कि यार ये लड़का है कि क्या है। मुझे जहाज पे 15 दिन हो चुके थे, 15 दिन में 15,000 बार मेन इंजन को देख चुका था, और अगर कोई BTEC मैकेनिकल का भी स्टूडेंट है ना, मरीन इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसे पता रहेगा जो बड़े बड़े जहाज पे इंजन होते हैं वो 2 स्ट्रोक होते हैं, 4 स्ट्रोक नहीं होते हैं, लीव अलोन टॉकिंग अबाउट पिस्टन, अबाउट एग्जॉस्ट और एनीथिंग। तो ये ब्लंडर करके मैं जहाज पे सरवाइव कर रहा था, कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट आप ये सोच सकते हो। तो वहां से उठ के मैं आज आप लोगों के सामने चीफ मेयर बन के ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। तो इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी चैलेंजिंग जर्नी, बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, उस गलती के कारण एक ऐसी इमेज मेरी खराब हो चुकी थी कि मुझे अगले 2.5 महीने 3 महीने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम मिला, जाके पुताई कर दो, पेंटिंग कर दो, मॉपिंग कर दो, चिपिंग कर दो, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहां से यहां पहुंच चुका था। तो ये मेरी गलती थी। काम सीखिए, नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि जब आप जहाज पे जाके जो बोलते हो, जो करते हो, वो हर कोई देख रहा, ऑब्जर्व कर रहा है। स्मार्टनेस मैटर्स। मैंने बहुत गलतियां करी हैं, आप ये गलतियां मत कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ये मेरी गलतियों की जो सीरीज़ है माय लाइफ माय मिस्टेक, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। हर वो गलती जो मैंने करी है, जिससे मैं कुछ सीखा हूँ, जिससे मुझे उम्मीद है आप भी कुछ सीख सकते हो, वो वीडियोस देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या सीखा है, और अगर आपने भी कोई ऐसी ब्लंडर करी है तो
तो वो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।